ग्वालियर के जया रोग अस्पताल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में इलाज करा रहे इस कैदी का नाम है अजीत सिंह, जिसे इस वक्त अच्छे से कुछ याद नहीं कि इसके साथ क्या हुआ था, लेकिन जब ये मुरैना के जौरा जेल से ग्वालियर लाया गया था तो सही सलामत था, लेकिन फिलहाल इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसका एक हाथ टूट चुका है। टूटा है, वो सही नहीं है। अजीत चोरी के केस में मुरैना जिले की जौरा जेल में बंद था। कैदी की तबीयत खराब होने की वजह से इसे इलाज के लिए मुरैना लाया गया और बाद में यहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। अजीत के ग्वालियर पहुंचने के पहले ही बीच रास्ते में उसका हाथ टूट गया और उसके शरीर पर चोटें लगी। अजीत के परिवार वालों का आरोप है कि अजीत के साथ जेल कर्मचारियों ने मारपीट की है, जिससे उसका हाथ टूट गया और मानसिक रूप से भी कमजोर हो गया है। उसकी तबीयत खराब हो गई तो जेलर साहब ने भेजा जौरा हॉस्पिटल में, तो वहाँ से रेफर कर दिया मुरैना के लिए और मुरैना से फिर ग्वालियर के लिए कर दिया सर। तो पुलिस वालों ने उसका रास्ते में हाथ तोड़ दिया, पहले हाथ में कुछ नहीं था और हाथ पूरा टूटा हुआ, फ्रैक्चर पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है सर। सर उनने उससे जो सांकर रहती है ना उसकी हथकड़ी की, उससे बांध के सर तोड़ा हुआ है, बहुत फ्रैक्चर है, बहुत बड़ा फ्रैक्चर। हालांकि जेल प्रहरी का कहना है कि अजीत को स्ट्रेचर से गिरने की वजह से चोट आई है, उसके साथ किसी तरह की कोई मारपीट नहीं की गई है। को फंसू कर जाग वगैरह आने लगे, बीमारी हो गई थी, दौड़ा सा पड़ता है, इसको दौड़ा पड़ा था मैं। मैं तो था नहीं, मारपीट तो किसी ने की नहीं इसकी, गिरने से स्ट्रेचर से। गाड़ी से बात किया हूँ जोरा थाना पाई से, ये सूचना थाना पाई ने बताया। हाँ अजीत सिंह वो वहाँ जेल फेसी में आया था, वहाँ पे कोर्ट फेसी में जेल से, उसको शायद मिर्गी हो रहा है कि बीमारी है, उस पर जो है वो कहीं गिर गया तो उसको चोट उठाई है, उसके बाद उसको जो साथ में गार्ड थे उन लोगों ने उसको इलाज कराया। परिवार वालों के आरोप और जेल प्रहरी की सफाई में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा तो अजीत की हालत सुधरने और मामले में पुलिस की जांच के बाद ही हो पाएगा।